से इस वक्त खबर मिल रही है जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान डबरा पहुंचे हैं और बारिश की वजह से जो हालात वहां पर निर्मित हुए हैं उनका आकलन करने के लिए, हालातों की जानकारी लेने के लिए पहुंचे हैं। सीएम ने वहां पहुंचकर अधिकारियों को निर्देश दिए, ग्रामीणों को बर्तन, कपड़े और अनाज दिलाने के निर्देश दिए हैं। बाढ़ में जिनके अनाज, कपड़े, बर्तन नष्ट हो गए हैं उनको देने के निर्देश सीएम ने अधिकारियों को दिए हैं। सीएम ने कहा कि तत्काल भोजन के लिए आधा आधा क्विंटल राशन दिया जाए, परिवार का तत्काल भोजन का काम चल सके, नुकसान का आकलन करके उसकी राहत राशि अलग दी जाएगी। मवेशी अगर बह गए हों, कोई गाय, भैंस या फिर बैल अगर बह गए हों तो उन्हें 30,000 रुपये प्रत्येक मवेशी के हिसाब से दिया जाएगा और अगर कोई छोटे बछड़े बछड़ी हुए तो उसके भी 10,000 रुपये अलग से सरकार देगी। मंत्री नहीं आ पाते, आपकी बात बिल्कुल, आप धीरज रखो, सारी व्यवस्था बनाई, अपन तो बचे, जान बची तो लाखों पाए। फसल अगर हमारी नष्ट हुई है तो उसके भी नुकसान का आकलन करके उसकी राहत राशि अलग दी जाएगी, वो राहत की राशि भी देंगे। अगर कुआ और बाकी कोई चीज नष्ट हुआ हो, कुआ हो, नलकूप हो, उसके भी 25,000 रुपया दिए जाएंगे। और मवेशी अगर बह गई हो, गाय, भैंस, बैल, 30,000 रुपया दिए जाएंगे एक मवेशी के। और उससे छोटे अगर बछड़ा बछड़ी हुए उसके भी 10,000 रुपया दिए जाएंगे, बकरा बकरी के भी देंगे, आप चिंता मत करना। और मुर्गा मुर्गी भी बह गया हूं तो 60 रुपया प्रति मुर्गा मुर्गी उसके भी देंगे।